अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक सपोर्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको बहुत कमाल की एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर आप व्हाट्सएप यूज़र हैं और अगर आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं जिसका नंबर आप सेव नहीं करना चाहते, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। गाइस बेसिकली व्हाट्सएप में होता ये है कि आपने अगर किसी अपने फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को मैसेज करना हो तो आपको सबसे पहले वो कॉन्टैक्ट सेव करना पड़ता है, तभी जाके आप व्हाट्सएप पर उनको मैसेज कर सकते हैं। तो इस ट्रिक के थ्रू आपको नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस ट्रिक के थ्रू आपको बस एक लिंक पे जाना है और उस लिंक पे जाके आप अपने किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स को, जिसको भी आप मैसेज करना चाहते हैं, आप उसको इजीली कर सकते हैं। विदाउट आप उनका नंबर सेव किए बिना आप उनको मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है और आप गाइस से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक के बटन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। किसी भी मोबाइल के ब्राउज़र में जाना है, चाहे आप गूगल क्रोम में चले जाएँ या ओपेरा में चले जाएँ या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, आपने जस्ट उसको ओपन करना है। अपने क्रोम को या किसी भी ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने ऊपर लिंक में एक लिंक लिखना है जो कि है https://api.whatsapp.com/send?" और आगे आप अगर जो उन सभी फ़ोन नंबर देना चाह रहे हैं आप वो फ़ोन नंबर दे सकते हैं। मसलन अगर आप किसी कॉन्टैक्ट जो है वो आपके सेल फोन में सेव नहीं है और जिसको आप मैसेज करना चाह रहे हैं उसका नंबर भी सेव नहीं करना चाह रहे हैं, आपने वो नंबर यहाँ पे लिखना है। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है फ़ोन, फ़ोन के बाद आपने लिखना है इक्वल का साइन। इक्वल का साइन लिखने के बाद आपने अब वो नंबर लिखना है। अगर वो किसी भी कंट्री का नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर वो यूएसए का नंबर है तो आपने सबसे पहले उसका कंट्री कोड लिखना है +1 में या जो भी उसका कंट्री कोड होगा। अगर पाकिस्तान का नंबर है तो पाकिस्तान का कंट्री कोड है +92। ठीक है, जब आप ये लिख लेंगे तो लिखने के बाद आपने आगे नंबर लिखना है जो भी नंबर उनका होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 3033006927, ये कोई भी नंबर हमने यहाँ टाइप कर लिया। ये जो मैंने लिंक लिखा है ऊपर, ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने क्या करना है कि आपने ये लिंक को कॉपी कर लेना है, आपने कहीं भी नोट पैड में सेव कर लें। नोट पैड में सेव करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जो है वो कभी भी जिसका भी नंबर आपने जिसको मैसेज करना है विदाउट सेव किए, तो आप ये लिंक कॉपी करके आप सिंपली अपने गूगल क्रोम में या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसमें पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आपने जस्ट नंबर चेंज करना होगा और आपने फिर एंटर का बटन प्रेस कर देना है। अब हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। इसमें वो आपको कह रहा है कि मैसेज ऑन व्हाट्सएप, आगे नंबर भी दे दिया है और साथ मैसेज का ऑप्शन भी दे रहा है। तो आपने क्या करना है, सिंपली मैसेज के ऊपर क्लिक कर देना है, आपसे वो सिंपली व्हाट्सएप ओपन कर लेगा। तो मैंने यहाँ पे दो व्हाट्सएप किए हैं तो मुझसे वो पूछ रहा है कि किस व्हाट्सएप से आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको व्हाट्सएप से ओपन कर लूँगा। व्हाट्सएप में ओपन होने के बाद वो नंबर आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा। वैसे तो ये नंबर मैंने सेव किया हुआ है, तो अगर वो आपने नंबर सेव नहीं किया होगा तो वो नंबर आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप इसको कोई भी मैसेज करना चाह रहे हैं तो वो बआसानी आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको नंबर सेव करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों एक कमाल की ट्रिक है, बड़ी आसान सी ट्रिक है। इस ट्रिक को यूज़ करते हुए आप इजीली किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, आपको नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक के बटन पर लाजमी प्रेस करना है, अपने फैमिली और फ्रेंड्स से लाजमी शेयर करनी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।